सोल की तरफ से मुश्किलें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं एंड अब सभी डाउन हो चुके हैं। कॉबलिन एकमात्र प्लेयर यहाँ पर बचे हुए आईएनएस यहाँ पर स्लैमिंग करते हुए नजर आएगी। कॉबलिन जीगॉड यहाँ पर मौजूद है फ्रॉम द टीम आईएनएस परफॉर्मेंस करते हुए। आधी जगह जीगॉड यहाँ पर आए, डोम स्पॉट है, डीबीएस यहाँ पर नजर आ रही। कॉबलिन बहुत भयंकर डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए जीगॉड यहाँ पर मौजूद है, कनेक्शन देखिए, एक अच्छा कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन, लुक एट द रिफ्लेक्शन बाय सोल। कॉबलिन यहाँ पर पुश आया, सिक्योर करते हुए नजर आ रहे अपने सारे फिनिशेस, पता है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बैकअप आए उसके पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड व्हाट अ रिफ्लेक्शन। डोम को जिस हिसाब से ये खिलाड़ी ने यहां पर टैकल किया, जिस हिसाब से इस खिलाड़ी ने यहां पर मारा, दैट वन इज ग्रेट। क्या बेहतरीन डीबीएस का शॉट देखने को मिला था। जेजी को रिवाइवल मिल चुका है, ऑक्टा को रिवाइवल मिलेगा, 3v2 की सिचुएशन यहां पर मिलेगी। कॉबलिन एक कॉबलिन मोड में यहां पर एक्टिवेट होते हुए नजर आ जाएंगे। बेचारा गिल एंड गॉडल शैडो आगे बढ़ते हुए यहां पर आपको नजर आ जाएंगी एंड स्पॉट करने की कोशिश, एंड जहां तक देखते हैं शैडो यहां पर स्पॉट करेंगे। M16A4 नजर आने वाले, स्प्रे से देने की कोशिश जरूर करेंगे। ऑक्टा के एक कनेक्शन मिलेगा, ऑक्टा यहां पर टाउन होते हुए नजर आ जाएंगे। कॉबलिन ज्यादा ओपन मत हुई है, मुझे ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है सामने से खिलाड़ी आ रहे हैं, बट जी हाँ एंड स्प्रेज आप देख सकते हो कॉबलिन के ऊपर कितना सही बनता हुआ नजर आए। कॉबलिन यहां पर टाउन, जेजी को भी ये सिचुएशन संभालनी है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। जेजी विद द M4 स्पॉट किया, स्प्रे से देने की कोशिश, स्पॉट करेंगे शैडो को, बट शैडो एलिमिनेट करते हुए भी यहां पर नजर आ जाएंगे। टीम सोल का एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। जहां तक जेजी को मुझे लगा कि एक 1v1 लेना चाहिए था, एक भी हेलमेट पे कनेक्ट भी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा सरप्राइज्ड मैं हूं इस